नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज टीवी मेरे साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि आज बड़ौद पहुंचे हैं। जिस तरीके से सावन का महीना है और निरंतर जो है कांवड़ियों का बोलबाला है, जब बोलबम और बोलबम के जयकारों के बीच जो है हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पूरा एक पंडाल है। जी हाँ, एक बार हमारे कैमरामैन थोड़ा इधर दिखाइए, ये पंडाल है, पूरा शिविर लगा हुआ है, कांवड़ियों की सेवा यहाँ पर की जा रही है। हम लोग लोडा गांव में पहुंचे हैं और लोडा सामूहिक शिविर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रखरखाव वैसे पूरी जो है रहने की व्यवस्था कांवड़ियों की पूरी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी दौरान हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो हमारे जो है बड़ौद से विधायक और राज्य मंत्री केपी मलिक यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने से अब जब बात जानेंगे कि आखिर किस जब यहाँ पर पहुँचे तो उनकी यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था लगी, और इससे अतिरिक्त वो काफ़ी जगह और भी गए हैं, उनके बारे में भी हमसे बात कर रहे थे। आइए चलते हैं। और तो सबसे पहले लोकवाणी न्यूज़ पर सर आपका स्वागत करेंगे, बागपत की इस पावन धरती पर आप यहाँ पर पहुँचे। मैं आपके माध्यम से जितने अपने आने वाले श्रद्धालु हैं, जितने अपने भोले हैं, जितने राजस्थान के या आपके माध्यम से मैं स्वागत करना चाहूँगा। और आज मैं इस कांवड़ के शिविर में बैठा हूँ जी, इन भाइयों का भी मैं धन्यवाद करने आया हूँ सभी का, ताकि इन्होंने एक नए काम किया, सम्मान बढ़ाने का काम किया, अपने उत्तर प्रदेश को एक अच्छा माहौल देने का काम किया। मैं भी इसीलिए इस कांवड़ शिविर कांवड़ में बैठा हूँ धन्यवाद करने के लिए। और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि जो अपने श्रद्धालु, जो अपने कांवड़ भाई, जो अपने कांवड़िया आ रहे हैं, उनका आपके माध्यम से हम अच्छा माहौल दें, अच्छा प्यार दें, ताकि हमारे प्रदेश के साथ साथ इस पूरे धार्मिक आस्था भी लोगों में बिल्कुल जो हमारा जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक आह्वान है कि जो कांवड़िया हैं उनको पूरी जो है व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनको रहन सहन की पूरी व्यवस्था दी जाए। सर आप एक मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, यहाँ से तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से खासा जो है रुझान देखा जाता है कांवड़ियों के अंदर, तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अब की बार उन्होंने पहले से भी बेहतर व्यवस्था की, इतनी अच्छी व्यवस्था की कि जब उत्तराखंड से लोग उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं तो उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है, और ज़मीन में पैर गर्म ना हो कांवड़ियों के, कारपेट तक बिछाने की और पानी की एक अच्छी व्यवस्था की गई। और ये भी आदेश और निर्देश है उत्तर प्रदेश सरकार के कि किसी भी कांवड़िया भाई को दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत हो तुरंत संपर्क करें, वो चाहे डॉक्टर से संबंधित हो या खाने से संबंधित हो, किसी तरह की भी, उसे सम्मान के साथ जहाँ तक उसे पहुँचना है हम उससे पहुँचाने। सर जिस तरीके से आप जानती हैं कि बागपत के नज़दीक है पूरा महादेव, और खासी जो है रुझान जलाभिषेक जब 26 तारीख को होगा तो खासी संख्या वहाँ पर देखी जाती है, खासी जो है आस्था वहाँ पर जुड़ी हुई है, सभी कांवड़ियों से दूर दूर अदर अदर स्टेट से जो है राज्यों से वहाँ पर पहुँचते हैं। सर आप भी वहाँ पर गए तो आपको सब कुछ व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बताना चाहें सर, कुछ कांवड़ियों को मैसेज देना चाहें। मैं अभी गया था, आज ही गया था, पूरा जहाँ पे मंदिर के चारों तरफ की जो परिसर है उसमें घूमने का काम किया, प्रशासनिक लोगों के साथ मिलकर एक व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था देने का काम किया। और अनुमान है कि अब की बार 30 लाख से भी ज़्यादा कांवड़िया भाई आने वाले हैं अपने, और उस दिन भी हम सब आसपास के क्षेत्रवासी, सम्मानित बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हम इन सब की सेवा में लगेंगे और इनकी सेवा करेंगे। तो देख सकते हैं आपने जिस तरीके से मंत्री जी का साफ साफ कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से हमारी तरफ से लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं, और कांवड़ियों को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई भी चीज़ें ना होने दी जाए, कांवड़ियों का खास ख्याल रखा जाए और कोई भी समस्या है तो तत्काल उसका जो है निवारण किया जाए। नमस्कार, लोकवाणी न्यूज़ पर आप सुन रहे थे खास मेहमान हमारे साथ केपी मलिक जी। जय हिंद, जय भारत।